पुलिस अब तक कुल 12 लोगों की बयान दर्ज कर चुके हैं। गुरुवार को मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटों तक पूछताछ की। रिया ने पुलिस को बताया कि सुशांत ने करीब एक साल पहले ही, जब वो रिलेशनशिप में नहीं थे, उनसे यश राज फिल्म छोड़ने के लिए कहा था। रिया ने पुलिस को बताया, मुझे सुशांत ने कहा था कि तुम यश राज फिल्म छोड़ दो, मैं भी छोड़ रहा हूँ। सुशांत से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सुशांत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन रिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। रिया ने सुशांत और अपने रिश्ते के बारे में बताया कि सुशांत यशराज फिल्म की शुद्ध देसी रोमांस से फिल्म कर रहे थे और मैं यशराज फिल्म की मेरे डैड की मारुति की शूटिंग कर रही थी। तभी पहली बार हम दोनों मिले, फिर इंडस्ट्री में मुलाकात होना शुरू हुई और हमारी दोस्ती हुई। फिर साल 2019 में सुशांत ने सीधा कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। रिया को भी सुशांत पसंद था और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ। रिया ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2019 में दिल बेचारा फिल्म पूरी करने के बाद से सुशांत को डिप्रेशन होना शुरू हुआ था। शुरुआत में सुशांत ने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे तकलीफ बढ़ती गई और फिर इसके बाद ही रिया ही सुशांत को डॉक्टर के पास ले जाते थे। रिया के मुताबिक सुशांत दवाई ठीक से नहीं ले रहे थे। रिया ने सुशांत के साथ रहकर उसका ख्याल रखा, लेकिन एक दिन सुशांत ने रिया से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाए। सुशांत ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहते हैं। सुशांत के लगातार कहने के बाद रिया सुशांत के घर से चली गई। रिया ने बताया कि वो दोनों रूमी सफारी की फिल्म में वो दोनों एक साथ काम करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान शूटिंग बंद रहा। पुलिस को जानकर करने से इनकार कर गए और फिर ये मूवी मिल गई अर्जुन कपूर को। अभी पुलिस पता लगा रही है कि औरंगजेब फिल्म साइन नहीं करने से यशराज सुशांत से नाखुश थे या नहीं। वहीं सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी ने करण जौहर और सुशांत के बीच हुई एक प्रोजेक्ट के बारे में अहम जानकारी दी। श्रुति के मुताबिक सुशांत ने धर्म प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव में काम किया था। सुशांत ने उस फिल्म की डबिंग के लिए डेट नहीं दी थी। इस पर जब श्रुति ने जब सुशांत से बात की तो सुशांत ने बताया कि मैं 3 बार डबिंग के लिए डेट दे चुका हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस ये जानकारी दे रही है कि क्या इस फिल्म को लेकर सुशांत और करण जौहर की धर्म प्रोडक्शन में कोई अनबन हुई थी या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।